थोड़े ट्रकें जी सब्सिडी, थोड़े लखनपुर सब्सिडी, हर जगह सब्सिडी, बूटा देने सब्सिडी, थोड़ा स्प्रे बड़े बड़े उनके पंप दिखो, एक जगह खड़ोइए ना, एक जगह खड़ोइए तो मेरे ख्याल चार चार पाँच पाँच घुमा के किट्ठा गया स्प्रे हो जाता एडे एडे पंप लाए दे। और जम्मू च लोग मुंडे चुके पंप बेचारे तो मुंडे चुकी फिरा दे गली इलाके स्प्रे करा दे। दिस अ पोजिशन ऑफ जम्मू पीपल, वैदर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अगर हिंदू मुस्लिम अगर किते होता अस अभी आखते तो कम से कम भद्रवा किश्तवा डोडा निकला दे। और इन्हें उसी कॉन्शियसली लाइन खिंची, कॉन्शियसली लाइन खिंची कि अगर ये लोग ये इलाका अगर जम्मू कश्मीर के रहा ये मीरपुर और पुंछ का और हवेली का मंगला डैम का एरिया मुजफ्फराबाद का एरिया अगर कने रहा है तो आने वाले समय च क्योंकि उस इलाके कश्मीरी स्पीकिंग कोई नहीं था फॉर योर कंफर्मेशन, मुसलमान जरूर थे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट जनाब की सलाह ना कि मुसलमान बहुत थे, है जी मुसलमान बहुत थे, लेकिन अगर मुसलमान है बहुत ज़्यादा, अगर मुसलमान प्रति इनकी बड़ा प्यार कई बार जागता है तो इन्होंने इलाका की कटिया उसने इलाका की नहीं आन देता। हिंदू तो सिख तो थोड़े होते इधर आइए मारा कुटा खाइए, लेकिन जोड़ा एरिया तुम छोड़िया वो भी एरिया सारा अपना एरिया छड़िया, इस करिए कि सारी सीट जड़ियाँ जरा इंबैलेंस रहो अंदर और कश्मीर की ज़्यादा सीटा बनी रहन और अस लोग उदेपर हुकूमत करते रहोगे। और फिर नंबर दूआ एरिया भी ज़्यादा इधर बचिया और एरिया भी ज़्यादा होया और एरिया ज़्यादा होने बावजूद जल्द शेख साहब ने 40 जल्द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने पर ऐलान किया 46 सीट जड़ी अपनी बगैर कुछ ना मापदंड दे तुम्हें पता होना चाहिए सारे ही पता वैसे यू नो बैटर मेरे को भी बेहतर जानते हो 46 सीटा कोई उदा मापदंड नहीं कोई तराजू कोई तरकड़ी नहीं कोई मेजरमेंट नहीं कोई उदा मापदंड नहीं कोई कुछ किस्म का ऐसा पढ़ो उसी पढ़ो मैं किन्ने साल का इलेक्शन लड़ा कुछ नहीं लिखे भी कि पापूलेशन होनी चाहिए कि एरिया होना चाहिए नथिंग हैज़ बीन डन जो मन किया जिदा मन किया जोड़ा मन किया शेख साहब का उन्हें लोगों का उस जमाने उन्हें अपन 46 सीटा बना ली और साढ़िया 37 बनाई उड़ी 27,000 स्केयर किलोमीटर दिन 37 बनाई उड़ी और 16,000 स्केयर किलोमीटर दिया बनाई उड़ी 46 और 4 सीटा लद्दाख की बने लद्दाख ने भी कि बड़ी जायती की कि लद्दाख ने एड्डी बड़ी जायती की उस इलाके की उसी 4 सीटें डिवाइड कर उड़िया बड़ी दस नाम सिंह और एरिया इंतहा एरिया उस 1 MLA की अगर उसे एक सड़क बनानी हो तो मेरे ख्याल सारी जिंदगी क्वेश्चन फिरता रहो वो तो शुक्र है कि बॉर्डर एरिया करिए तो आर्मी और फोर्स ने उसी एरिया की डिवेलप किया अदरवाइज तो लद्दाख के लोग आने वाले 1,000 साल भी डिवेलप नहीं हो सकते फॉर योर कंफर्मेशन। और उन्हें बेचारे एक स्ट्रगल शुरू की लद्दाख के लोग हिंदुस्तान से जाइए दिल्ली भी जलसे किए इधर भी किए लद्दाख भी किए और लद्दाख हिल कौंसल की गल की लद्दाख टेरीटोरियल की गल की टेरीटोरी बनाने की गल की लेकिन पोलिटिकल पार्टियों के अंदर इन्नी इंटरफेरेंस की पहले ए पार्टी ने उन्हें इस्तेमाल किया उसके बाद पार्टी प्रभावित हुई और प्रभावित हुई और पार्टी हिल कौंसल भी खाना शुरू हुई एक उधर जो सारे इशू एक एक करिए तो बाइलेंट पावर सर्वे कमीशन एक इधर एक उधर क्यों नहीं होएगा बाइलेंट सर्वे सिलेक्शन बोर्ड वन फॉर जम्मू वन फॉर कश्मीर क्यों नहीं होएगा अगर सारी चीजें डिवीजन अगर डायरेक्शन ऑफिस दो तो यह मतलब है कि असेंगी जम्मू के बच्चे की नौकरियां खाने वास्ते ये बर्दाश्त नहीं सकता जम्मू के बच्चे तमाम बर्बाद किए कश्मीर के हुक्मरान ने सवाए जम्मू की शराबा के ठेके कख नहीं दिता 800 ठेके शराब दे दिता टूरिज्म अपने बनाया अपने 2 ठेके खोले भी नहीं खोले अब दिस ए पोजिशन ऑफ दिस और इन्नी बुरी हालत की इस प्रोविंस की मैं जम्मू के बच्चे ही कहना चाहना ये इनका इशू है सारी जनरेशन की बर्बाद करना जनरेशन का जवाब दे है ये ठेके खाली रहो कोई उन्हें शराब नहीं पिए अपने आप की संभालो और इन्हें फाइट करो और अपने अधिकार से चलो मेरी अपील है सारे बच्चे के डोंट फाइट इस तरीके की बीमारी लाओ क्योंकि एक साजिश है स्मार्ट बच्चे सुंदर बच्चे बहादुर बच्चे स्मार्ट जनरेशन और ये जनरेशन जिदा जिसे अंग्रेजे में मने अगर दुनिया के अंदर कोई जंग लड़ने जारी है वॉरियर है जीतने वाले और डोगरा डोगरा कास्ट नहीं फिर दोबारा आखना चाहना कोई रिलीजन नहीं ऑल आर डोगरा एक्सक्लूडिंग कश्मीरी वो डोगरा नहीं होंगे हूँ जो कश्मीरी पंत इन्हें डोगरे बनी गए इन्हें असस हो जाए लेकिन
ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੋੜੀਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਥਾ ਇਸ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਨੀਚੇ ਦੀਏ ਗਏ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਕੋ ਦਬਾਏ ਔਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੇ ਲੀਏ ਬੈਲ ਆਇਕਨ ਕੋ ਦਬਾਨਾ ਮਤ ਭੁਲੀਏਗਾ।